प्रणाम, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है ताओ ओरेकल। ओशो ज़ेन टैरो जिन्होंने बनाया था माँ दे पद्मा, उन्हीं की एक दूसरी संरचना जो है वो ताओ ओरेकल के नाम से है। और माँ दे पद्मा ने ये कार्ड्स जो हैं ई चिंग के ऊपर बनाए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में करीबन 5 वर्ष लगे और उन्होंने 64 हेक्साग्राम्स के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई। उनका काम बहुत सुंदर है और सराहनीय है, और ताओ ओरेकल भी ओशो के विजडम के ऊपर ही बेस्ड है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य जो है अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, अलग अलग नाम से हो सकता है। ओशो ज़ेन टैरो जो है जापनीज विजडम के ऊपर बेस्ड है, ज़ेन के ऊपर बेस्ड है, और ताओ ओरेकल जो है चाइनीज विजडम के ऊपर बेस्ड है, ताओ ते चिंग के ऊपर बेस्ड है, वो विजडम जो लाओ त्ज़ू से आती है। ये अलग अलग सत्य के नाम हैं, लेकिन जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो हमें एक ही सत्य मिलता है। तो आइए इस ताओ ओरेकल की यात्रा शुरू करते हैं। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि द जर्नी ऑफ 1000 steps स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, कि सत्य की तरफ बढ़ाए हुआ एक कदम भी जो है आपको सत्य के जो है और नज़दीक ले आता है। भगवान महावीर कहते हैं कि सत्य की तरफ अगर तुमने चलना शुरू किया तो तुम पहुँच ही गए, अब सिर्फ समय की बात है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ एक वक्त की बात है, आज नहीं कल जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जिसने सत्य की यात्रा शुरू कर दी वो फिर वापस नहीं जा सकता, वो वापस अंधेरे में नहीं जा सकता। जिसको प्रकाश की एक झलक आ गई हो वो दोबारा से जो है अंधेरे में नहीं जा पाएगा। तो उसके हजारों एक्सप्रेशन हैं लेकिन सत्य एक ही है। थोड़ा बहुत ताओ ओरेकल को समझेंगे। ताओ ओरेकल, जिसको हम ईचिंग भी कहते हैं, वो 64 हेक्साग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। ये 64 हेक्साग्राम्स जो हैं 8 एलिमेंट्स को बना के मिलते हैं। ये 64 हेक्साग्राम्स जो हैं 64 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ हैं। अगर हम राइडर वेट टैरो की बात करें तो उसमें हमने जो है टैरो को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स आते हैं 22 कार्ड्स, और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स आते हैं 56 कार्ड्स। मेजर अरकाना को जो है हम लाइफ के बड़े सीक्रेट्स बोलते हैं, ये लाइफ के वो माइलस्टोन्स हैं, ये लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन घटती है। और 56 कार्ड्स जो हैं वो बेस्ड हैं रोज़मर्रा की सिचुएशंस जो आप फेस करते हैं। जब हम 64 हेक्साग्राम्स की बात कर रहे हैं तो ताओ में जो है मेजर और माइनर को अलग नहीं किया गया, उसमें जो है मेजर और माइनर को दोनों को मिला दिया गया है। उस मिलाने के कारण जो है उन्होंने 64 सिचुएशंस ऑफ लाइफ क्रिएट करी। इन 64 हेक्साग्राम्स के अंदर आपको मेजर और माइनर अरकाना के मिक्स मैसेजेस मिलेंगे। और मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, ताओ ओरेकल की भी विजडम जो है वो प्रेडिक्शंस के लिए नहीं होती है। इनफैक्ट कोई भी आर्ट, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, पामिस्ट्री हो, वो कोई भी आर्ट क्यों ना हो, उसको जो है आप प्रेडिक्शंस के लिए मत यूज़ करें। ये विद्या जो है आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ये आपको वो शक्ति दे सकती है जिसके कारण जो है आप अपने भविष्य को वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी को किसी होप के अंदर जीना, किसी एक्सपेक्टेशन में जीना कि कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी और आपके लिए कुछ कर देगी, असली विद्या जो है आपको वो एक्सपेक्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। असली ज्ञान जो है आपके अंदर वो शक्ति देता है जिसके कारण आप अपने भविष्य को खुद निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ लिखा हुआ है अगर आपकी किस्मत में, और अगर वही हो रहा है जो आपके लिए किसी ने लिख दिया है, तो फिर आपका तो रोल ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो आपके जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिंपली जो है उससे गुजरना पड़ेगा। फिर जिसका ये मतलब हुआ कि आप परतंत्र हैं, कि आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, कि आप अपनी लाइफ को एक बंधे हुए ढंग से जी रहे हैं। नहीं, प्रभु ने आपको जो है ये शक्ति दी है, प्रभु ने आपको ये क्षमता दी है कि आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वो संभावना आपको दी है। इस सौभाग्य को समझिए, इस संभावना को गले लगाइए और अपने जीवन को वो ऊंचाई दीजिए, वो एक्सप्रेशन दीजिए जो आपका खुद का है। इस वीडियो में जिस हेक्साग्राम की हम बात करेंगे उस हेक्साग्राम का नाम है चाइन, जिसको हम हेवन ओवर हेवन बोलते हैं। एक हेक्साग्राम के अंदर 6 लाइनें होती हैं, और जब हम हेक्साग्राम को पढ़ते हैं उसको एक तो एसेंस में पहले समझते हैं, और उसको एसेंस में समझने के बाद उसकी 6 लाइंस को जो है रीड करते हैं,
और जब हम इन 6 लाइंस को रीड करते हैं उनको जो है हम नीचे से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो सबसे बॉटम लाइन है, वो सबसे नीचे से शुरू होती है, और जो आखिरी लाइन है, जो छठी लाइन है, वो सबसे ऊपर है। ये 6 लाइनें जो हैं आपको 6 डिफरेंट मैसेजेस देती हैं। ये 6 लाइनें जो हैं आपको जो है एवोल्यूशन का एक प्रोसेस बताती हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो शुरुआत है, और जब आप आखिरी लाइन तक पहुंचते हैं, जो छठी लाइन है, उस लाइन तक पहुंचने में आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरेंगे, बहुत सारे अनुभवों से गुजरेंगे, और वो आपका आउटकम भी होगा। तो हर हेक्साग्राम में बहुत डिटेलिंग है, बहुत डेप्थ है। हर हेक्साग्राम आपको जो है जीवन के नियम बताता है, जीवन के गहरे रहस्यों को समझाता है, लाइफ को गहरे समझने की जो है एक समझ देता है। अगर हम इन नियमों को अच्छे से समझ लें, अगर हम इस हेक्साग्राम की विजडम को जो है अपने जीवन में उतार लें, तो हमारी लाइफ की जो पोटेंशियल है वो खिलना शुरू होती है। हम वो होना शुरू हो जाते हैं जो हम होने के लिए आए हैं। हमारे जीवन का जो फूल है वो खिलना शुरू हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस फर्स्ट हेक्साग्राम को। फर्स्ट हेक्साग्राम को जो है हम क्रिएटिव के नाम से भी बोलते हैं। इसका ईचिंग नाम है चाई, और जिसको हम हेवन ओवर हेवन भी बोलते हैं। ये जो हेवन ओवर हेवन की बात हो रही है, इसको समझने के लिए आपको अर्थ को भी समझना पड़ेगा साथ में। ये जो हेवन और अर्थ है, ये दोनों हमारे भीतर हैं। जब हम कार्ड ऑफ द मैजिशियन को देखते हैं, उसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। जो उसका ऊपर का हाथ है वो हेवन की तरफ इशारा कर रहा है, और जो उसका नीचे का हाथ है वो अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि एक बैलेंस को बता रहा है, जो कि एक रियलिटी को बता रहा है कि आप जो है हेवन और अर्थ से बने हुए हैं, कि आपका जो शरीर है वो पृथ्वी का है, वो अर्थ से बना हुआ है, लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो हेवन के साथ जुड़ी हुई है। आदमी जो है इन दोनों का मिश्रण है। पृथ्वी जो है उसको नीचे की तरफ खींचती है, और जो हेवन है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। जब आपकी ऊर्जा जो है पृथ्वी की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, तो वो एक आउटर वर्ल्ड में जो है प्रवेश कर रही है, और जब आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, तो वो इनर वर्ल्ड की बात कर रही है, वो आपकी सोल की बात कर रही है। और पृथ्वी को हमने जो है फेमिनिन का सिंबल माना है, और हेवन को जो है पिता का सिंबल माना है। और इस हेक्साग्राम में जब हम हेवन ओवर हेवन बोल रहे हैं, तो इसका ये अर्थ है कि इसकी सारी 6 लाइंस जो हैं, उसका जो प्रभाव है वो सोल का प्रभाव है, और वो आपके पुरुष के तत्व को भी दिखाता है। एक चीज़ और याद रखने की है, ईचिंग को जो है हम बुक ऑफ चेंजेस भी बोलते हैं, जो कि हमें इस संसार की क्षणभंगुरता को रिमाइंड कराता है कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जो है बदल रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है चेंज हो रहा है। भगवान बुद्ध जब अपने शिष्यों से बात करते थे, तो वो ये नहीं बोलते थे कि ये पेड़ है, ये नदी है, वो ये बोलते थे ये पेड़ हो रहा है, ये नदी हो रही है, क्योंकि उनकी नज़र में सब कुछ जो है बदल रहा है, उनकी नज़र में कुछ भी फिक्स नहीं है, उनकी नज़र में हर क्षण जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन घट रही है। ताओ ओरेकल आपको याद दिलाता है, ये संसार जो है क्षणभंगुर का संसार है, यहाँ पे ना दुख टिकता है, यहाँ पे ना सुख टिकता है, यहाँ पे ना जन्म टिकता है, ना यहाँ पे मृत्यु टिकती है, यहाँ पे सब कुछ जो है बदलता चला जा रहा है। यहाँ पे रात भी है, यहाँ पे दिन भी है, यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। जब हम इस अस्थिरता को जो है स्वीकार करना शुरू करते हैं, जब हमारे आसपास सब कुछ इतना अस्थिर है, इस सबके बीच में जो है एक स्थिरता का भाव हमारे भीतर क्रिएट होना शुरू होता है। जैसे ही आप इस अस्थिरता के स्वभाव को स्थिरता से स्वीकार करते हैं, आपके भीतर जो है एक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, आपकी ऊर्जा जो है इस संसार से जो है आपके भीतर प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। तो पहला हेक्साग्राम जो कि बोलता है हेवन ओवर हेवन, उसकी गहराई में आप प्रवेश करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखने की है कि ये एक्टिव मैस्कुलिन प्रिंसिपल को डिनोट करता है। क्या है मैस्कुलिन प्रिंसिपल? आपका पुरुष का स्वभाव। ताओ ओरेकल में जब भी मैस्कुलिनिटी की बात होगी, हेवन की बात होगी, वो डोनेट करेगा कि आपकी ऊर्जा जो है सोल की तरफ ट्रैवल कर रही है, आपकी ऊर्जा जो है आपके भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरा पॉइंट याद रखने का है कि ये इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। हमने इस हेक्साग्राम का नाम जो है द क्रिएटिव रखा है, और अगर हम इस हेक्साग्राम को किसी राइडर वेट की कार्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो कार्ड होगा द कार्ड ऑफ द एम्परर। उससे जो है आपको ये हेक्साग्राम और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एम्परर कार्ड को समझते हैं, एम्परर कार्ड जो है आपकी मैस्कुलिनिटी को दिखाता है, आपके पुरुष स्वभाव को दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके संकल्प को, आपकी ध्यान की क्षमता को, आपके मैस्कुलिन नेचर को दिखाता है।
ये कंपैरिजन कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता है कि इस क्रिएटिव हेक्साग्राम को जो है उसकी जो एक छोटी सी एक एसेंस है वो द कार्ड ऑफ द एम्परर में हमें देखने को मिलती है। ये आपकी एक अनलिमिटेड क्षमता को दिखाता है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जो है एक क्रिएटिविटी की शक्ति है, आपके पास जो है एक क्रिएटर आपके अंदर बैठा हुआ है। जब आप अपने भीतर के क्रिएटर को रियलाइज़ करना शुरू करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और दूसरी बात, जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को जो है जब रियलाइज़ करते हैं अपने अंदर, तो आपके अंदर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन घटती है। साथ में जो है आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में लेते हैं, अपनी पोटेंशियल को समझते हैं, और आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की जो एक जर्नी है, एक वो यात्रा जो आपको अपने आप से मिलवाएगी, वो यात्रा आपकी शुरू होती है। ये एसेंस है द क्रिएटिव हेक्साग्राम की। आइए इसकी 6 लाइनों को भी समझते हैं। जो पहली लाइन है वो आपको मैसेज देती है कि जो आप अपने भीतर रियलाइज करें कि आपके भीतर ये जो क्रिएटिव ऊर्जा है, कि आपके भीतर जो है एक ड्रैगन की पावर है, कि आपके भीतर जो है एक ये जो क्रिएटर बैठा हुआ है, जैसे जब आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन हो तो एकदम से इसको जो है दूसरों को रिवील मत करिएगा। जब शक्ति आपके हाथ में आती है तो उस शक्ति को जो है थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, थोड़ा प्रिजर्व कीजिए, थोड़ा सा उसको ग्रो करने दीजिए। एक वक्त आएगा जब आप इसको प्रकट करेंगे, लेकिन ये वक्त अभी नहीं है। इस वक्त जो है आप अपनी ऊर्जा को जो है नरिशमेंट दीजिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को जो है नरिशमेंट दीजिए। पहली लाइन का मैसेज ये है। दूसरी लाइन ये बोलती है कि जिससे भी आप कुछ सीख सकें, चाहे वो गुरु हो, टीचर हो, लाइफ की सिचुएशन हो, कुछ भी, किसी भी ढंग से भी जो है अगर आप किसी से कुछ सीख सकें तो वहाँ पे जो है उससे कुछ सीखें, उसके टच में आए, उस व्यक्ति से इंस्पायर होके जो है आप अपने भीतर की ऊर्जा को जो है और बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में जो है अभी उस ऊर्जा को जो है प्रकट नहीं करना है, दूसरी लाइन में जो है उस ऊर्जा को जो है प्रकट करना शुरू करना है, लेकिन उसके सामने जो उसको समझ सकता है, एक टीचर के सामने, एक गुरु के सामने, जो कि आपकी पोटेंशियल को समझता है, जो कि आपको गाइडेंस दे सकता है, जो कि आपको पुश कर सकता है आपकी पोटेंशियल की तरफ, तो ये है दूसरी लाइन। तीसरी लाइन कहती है कि जब आपको अपनी ऊर्जा की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाए, जब आपके भीतर जो है वो जाग, जब आपके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाए, जब आपके अपने भीतर जो है जागना शुरू कर दें, जब आपके भीतर जो है एक जागरण की स्थिति जो है बननी शुरू हो जाए, तो उसको जो है पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है, उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ जो है उसको जीना है। जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आपने 1 घंटा कर लिया सुबह और बात खत्म हो गई। जब बात हम स्पिरिचुअल प्रोसेस की कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है जो 24 आवर्स चलता है, 8 पहर चलता है। ये तीसरी लाइन जो है आपको रिमाइंड कराती है कि जब आपका ये लाइफ का प्रोसेस जब चलना शुरू हो जाए, जब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाएं, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑल द टाइम। आप अपनी क्रिएटिविटी को जितना जी सकें, 24 आवर्स अ डे आपको जो है वो क्रिएटिव फोर्स के साथ जुड़े रहना है, अपने आप को क्रिएट करते रहना है। ये है तीसरी लाइन। चौथी लाइन कहती है कि ये समय आ गया है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आपकी ऊर्जा जो है इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो दूसरों के आगे जो है प्रकट होना शुरू हो गई है, कि जब आपने अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जब आपकी साधना शुरू हो गई है, तो ये समय कुछ ऐसा है जब लोगों को पता चलना शुरू हो गया आपके बारे में, कि लोग देख सकते हैं कि आपका जो है ये प्रोसेस चल रहा है। इस वक्त जो है बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, होना ये चाहिए कि आप इस प्रोसेस को जितना छुपा सकें, जितना छुप के कर सकें, उतना इम्पॉर्टेंट। प्रभु को जब हम याद करते हैं, हमें उसको इस तरह से याद करना है कि दूसरे को पता भी ना चले, क्योंकि दूसरे को पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश करेगा। तो चौथी लाइन आपको रिमाइंड कराती है कि जब आप प्रभु को याद करें, जब आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस के साथ जुड़े हों, जब अपने ध्यान के साथ जुड़े हों, तो ऐसे जुड़े, ऐसे करें कि दूसरे को खबर भी ना हो। लेकिन चौथे में पॉसिबिलिटी ये दिखती है हमें कि दूसरे को पता चलना शुरू हो जाता है। वो पता चलना इसलिए भी शुरू हो जाता है क्योंकि प्रकाश को जो है आप छुपा नहीं सकते, प्रकाश जो है दूसरे को दिखना शुरू हो जाता है, दूसरे को ये दिखना शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा चेंज जो है आपके अंदर जो है आना शुरू हो गया है, जो आपसे भी बियॉन्ड है, जो आपसे भी बढ़कर है, जो कि उसको जो है दिखना शुरू हो जाता है।
इस वक्त आपको जो है ये लाइन जो है आपको रिमाइंड कराती है कि बी क्वाइट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके इसकी बात जो है किसी से ना की जाए और चुपचाप जो है आपका ये प्रोसेस जो है चलता रहे। इसके पीछे कारण इसलिए भी है क्योंकि अभी आप जो है पहुँच नहीं गए अपनी मंजिल पर, अभी आपका जो है ये प्रोसेस चल रहा है, अभी आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो चल रही है। ये है चौथी लाइन। फिफ्थ लाइन जो है वो लाइन ऑफ पावर कहें हम इसको। ये समय कुछ ऐसा है जिसमें जो है अब आप अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने अनुभवों को दूसरों से बांट रहे हैं। आप जो है हो सकता है एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक इंस्पिरेशनल फिगर की तरह जो है लोगों के सामने जो है प्रकट हुए हैं। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं और लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग वो हो जाना चाहते हैं जो आप हो गए हैं। ये समय कुछ ऐसा है जिसके अंदर जो है आप वो बांट रहे हैं जो आप हो चुके हैं। फिफ्थ लाइन हमें याद दिलाती है कि ये वक्त ऐसा है जिसमें जो है आप अपने होने को जो है बांट सकते हैं, आप अपनी खुशबू को जो है लुटा सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब तक जो चार लाइनें थी इससे पहले वो आपको जो है अपने अंदर कंटेन करने को कह रही थी, वो आपको जो है रोकने के लिए कह रही थी, वो आपको जो है बहुत सजगता से जो है जीने के लिए कह रही थी। लेकिन अब पांचवी लाइन जो है आपको बोलती है ये वक्त ऐसा है जब आप अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ये है फिफ्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिक्स्थ लाइन बोलती है कि जब एक ऐसा समय आ जाता है जब आप दूसरों को जो है अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं, जब दूसरों को जो है आप गाइड कर रहे होते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है जिसके अंदर जो है आपका ईगो जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप ये भूल सकते हैं कि आप सिंपली सिर्फ एक मीडियम है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक अथॉरिटी की तरह समझ सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को गॉड समझ सकते हैं। लेकिन छठी लाइन आपको रिमाइंड कराती है कि ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि दैट यू आर नथिंग इनसाइड, कि इनसाइड कि आप अपने भीतर जो है एक शून्य में है, कि आप जो है एक खाली बांस की पोंगरी हो जाए, कि आप सिंपली जो है उसका मैसेज जो डिवाइन का जो मैसेज है उसको जो है पास ऑन कर सके। कभी भी एक क्षण के लिए भी जो है ऐसा मत समझिएगा कि ये विद्या जो है आपकी है, आपका ईगो जो है आपके साथ ये चाल चल सकता है, आपका ईगो जो है आपको इस गड्ढे में लेके जा सकता है। असल में डिसीव होना बहुत आसान है क्योंकि लोग अब आपकी पूजा कर रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये क्षण कुछ ऐसा है कि आपको अपने ईगो के प्रति जो है बड़ा कॉन्शियस रहना है। तो छठी लाइन आपको बोलती है कि जस्ट बी केयरफुल ऑफ द ईगो, कि अपने अहंकार से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मंजिल पे बिल्कुल आप पहुंचने वाले होते हैं तभी दुर्घटना हो जाती है, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जो है क्योंकि आप बहुत रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि अब मुझे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वही एक क्षण होता है कि जब आप गिर जाते हैं। तो छठी लाइन जो है आपको वही रिमाइंड करा रही है। तो इन कंक्लूजन जो चाइन हेक्साग्राम है, जो क्रिएटिव हेक्साग्राम है, आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को रिमाइंड कराती है, आपको ये रिमाइंड कराती है कि आप क्या हो सकते हैं, क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, और दूसरे शब्दों में कहें कि आपको जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जो है इशारा करती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है जी सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जीते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो यात्रा है जो कि फर्स्ट लाइन से शुरू होती है उसको दर्शाया गया है और वो जाती है छठी लाइन तक। और इस सारे प्रोसेस में जो है आपको अपने ईगो से जो है केयरफुल रहना है, अपने मन को जो है बीच में नहीं लाना, अपने अहंकार को बीच में नहीं लाना, उस प्रभु की ऊर्जा को जो है जितने अच्छे से जी सकते हैं उसको जीना है, उस प्रभु की ऊर्जा को जितना बांट सके उसको बांटना है। तो ये है ई चिंग का क्रिएटिव हेक्साग्राम और इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।